गोबर आज तक नहीं घुसा, गोबर आज तक दिमाग में नहीं घुसा और गोबर हम घुसाना नहीं चाहते। कटिहार जैसे इलाकों में नहीं जाएंगे जहां गरीबी ज्यादा है, सीमांचल जैसे इलाकों में नहीं जाएंगे जहां गरीबी ज्यादा है। पूर्णिया में हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं की ज्यादा आबादी है लेकिन हिंदू वहाँ पे हिंदू बहुत गरीब है भी, लेकिन हिंदू लोग गरीब है। क्यों है मोदी की सरकार में हिंदू लोग गरीब, बताए? मैं बता रहा हूँ, सुनो, 70 साल क्यों दिए भाई साहब, 70 साल क्यों दिए सुनिए आप, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहने थे इसलिए। अभी 10 साल हम मोदी जी को दे रहे, तुम लोग इतना तड़क रहे हो, अगर ये अभी 10 साल और आगे तुम लोग गायब हो जाओगे। LIC को भेज दिया जिस मोदी ने लाल किले को गिर, तुमको क्या दिक्कत है, तुमको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत है अब मैं बता रहा हूँ, मेरा 3 भाई डूब मेरा, अरे मोदी जी कह रहा है गरीबों, सुनो, मोदी जी कह रहा है गरीबों को घर दिया, दिक्कत क्या है पहले ये बताओ। नहीं, हम तो यहाँ पे काम करने के लिए आए, काम कर रहे हो मतलब तुम्हारे पास रोजगार है, राइट? 10,000 सैलरी में हम घर पालेंगे या 10,000 की सैलरी? कितने पढ़े लिखे हो? हम 8 क्लास तक पढ़े, 8 क्लास में तुमको 10,000 मिल रहा है और क्या क्या चाहिए? इस जमाने में गैस सिलेंडर 1,000-1,200 के मिल रहे हैं और आप 10,000 रुपए बहुत समझ, वोट दो गैस सिलेंडर मुफ्त। ना 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 ये सब, एक सेकंड सुनो, क्लास 8 तक पढ़े हो ना, क्या यू नो GDP, व्हाट इज GDP? आप पहले अडानी अंबानी के बारे में बात करो और राहुल गांधी से मोदी जी को डिबेट करवा दो, ये सब बात है बस। कांग्रेस की सरकार थी, कब हुआ है जन्म, जन्म कब हुआ? अरे बोलो कोर्ट से मुर्दाबाद, बोलो कोर्ट से मुर्दाबाद, बोलो चल तू बता चल, इसी से पूछो, रुक जाओ, गोड से ने करी थी तो बताओ, वो देशभक्त हुआ बताओ, बताए? अरे आज अंग्रेजों से आजादी किसने दिलाई जब अंग्रेज इस देश को कब्जा किया? कांग्रेस इतना पसंद क्यों है ये बताओ, और भी पार्टी है ना, कांग्रेस इतना क्यों पसंद है? इसलिए कि गुजरात जैसे दंगे नहीं देखना चाहते, यूपी जैसे बुलडोजर नहीं देखना चाहते हैं, और जो देश में नेता है उन सबको जेल में देखते हुए हमें आंसू आ जाते हैं। उन सब के सब देश में जितने भी नेता है उन भ्रष्टाचारी है, मोदी पता नहीं कौन से पानी में नहा के आया है, वो पवित्र पानी पता नहीं कहाँ से नहा के, वो जमजम होगा क्या होगा वो, मतलब सच्चा है, ये लोगों के नजर में सच्चा है वो, जैसे तुम्हारे नजर में राहुल गांधी सच्चे हैं, तुम कह रहे हो उनके राज में कभी दंगा हुआ ही नहीं, अभी इन्हें माइक दूंगी तो 10 दंगा गिनवा। यार मैं कहाँ दंगा हुआ आप बता दो, हिंदू मुस्लिम की दंगा हुआ? अब ये दंगा बता दो, बताओ 1992 पता है कब हुआ था जन्म, ये बताओ पहले, हिस्ट्री पढ़ रखी है? मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट भी, सुन लिया मेरी बात, तू 8वीं पढ़ा है, सुन, अरे जितना है रुक जाए, जब से मैं सुन रहा हूँ तेरी, अब सुन ले ये सारे, सुन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सुन मेरी बात, मेरी सुन बात, जा तुझे करी दंगों की बात, दंगे समझा रहा हूँ मैं तुझे, 1967 में किसकी सरकार थी बता, किसकी थी सरकार? इंदिरा गांधी की, मुझे पता थी, मुझे पता है 1977 में किसकी सरकार आई, मोरारजी देसाई की, उसके बाद कौन आया, चौधरी चरण सिंह आया, उसके बाद बता 1992 के दंगे कब हुए थे, किसने करवाए थे, मैं बता, मैं बता तो रहा हूँ, राम जन्मभूमि का दंगा हुआ था, रथ यात्रा किसने निकाली थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने, दंगे किसने करवाए थे, मरवाया किसने राम भक्तों को, तू था वहाँ, तेरी कांग्रेस खड़ी हो पाई थी वहाँ, बात करते हो यार, कांग्रेस खड़ी थी वहाँ, तुझे गोधरा का दंगा तो दिख रहा है गुजरात का, तुझे राम जन्मभूमि का दंगा नहीं दिख रहा? उद्धव ठाकरे वो जो है बाबरी मस्जिद की जब गुंबदे तुड़वाए थे, जिसने तोड़ा था वो मुसलमान क्यों बन गया, जिसने तोड़ा वो मुसलमान बन गया, ये बताओ की एक बात, कांग्रेस को इस सरकार में ला के दिखा दे, मैं तेरा नाम बदल लूंगा, जा मेरा देख लेना, 4 जून को देख लेना भाई, 4 जून को, 4 जून को, 4 जून को देख लेना, 4 जून को, तुम इतनों को चैलेंज कर रहे हो, 4 जून को मोदी है, बस सपने हैं सब, तुम गजवाएं दो जाओगे, देखिए भाई मैं क्या कर रहा हूं, योग्यता है ना, नौकरी आज भी वहाँ है, बेरोजगारी की तने बात करी ना, सुन मेरी बात, हर साल 1,000 IAS बनते हैं, सुन क्या मेरी बात, 2 करोड़ का वो तो झूठ है, क्या तू बढ़ा रहा है, तेरे बच्चे नहीं है, पैदा नहीं करता, चर पैदा कर दो फिर कह दो कि हाँ अल्लाह की देन है, योगी जी कितने, क्यों भाई योगी जी और मोदी जी कितने भाई बहन से बता दे, अच्छा बताओ वो तो फिर तो दूसरों को क्यों देखोगे दूसरों को क्यों देखोगे, तुम्हारे घर में 11 होते तो 11 को थोड़ी मोदी जी नौकरी, ये सब भ्रम फैला रहे हैं देश में, भ्रम फैला रहे हैं ये सब, भरम है ये, भरम है, चलो भैया ये बताइए कहाँ तक पढ़ा मैडम, ये 8वीं तक पढ़ा हुआ है और 10,000 कमा रहा है, लेकिन हाँ चाहते क्या, रोजगार चाहिए बेटा, करोगे तो मिलेगा,
फ्री में कोई नहीं देगा, और आदत पड़ गई है फ्री का खाने की आदत पड़ रही है इस लोगों की, और नेता फ्री का दे रहे हैं वो भी चाह रहे हो सब दिखता ही नहीं मुझे फ्री नहीं नहीं मुझे तो मुझे तो बेरोजगारी कुछ दिखता ही नहीं, मुझे तो गरीब कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि मुझे मोतियाबिंद हो गया। सॉरी भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग है ना अंधभक्त बहुत आ गए यहाँ से। अगर 24 में मोदी जाएंगे तो क्या करोगे? क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुकेश अंबानी जो है ना, अडानी अंबानी है ना, जो उनके भी झोले खाली होंगे वो जो ठीक है। और अरे इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के बारे में बता दो, मोदी जी कह रहा है कि गाय बंद हो गया, ये बंद हो गया, पेड़ बड़ा होने में फिर इलेक्ट्रोनल बॉन्ड बता दो ना। अगर मोदी जी आए तो तुम क्या करोगे? बस ये कहो, वोट देते हो? 18 साल के हो गए हो? बिल्कुल 18 साल के हो गए हैं। तो वोट देते होगे ना? वोट दिए हम, बिल्कुल। कहाँ है तुम्हारा? दिखाओ मार्क, दिखाओ वोट का। हमारे हम तो बिहार से घर आए हैं, यहाँ पे काम करने आए, कहाँ लेके आएंगे उसको भी साथ? तो मार्क होगा ना? मार्क नहीं है, अरे नहीं है, हमारे वहाँ बहुत पहले हो गए, बहुत दिन हो गए वोट होने का। जो गोदी मीडिया आजकल, गोदी मीडिया वाला सवाल, गोदी मीडिया से सवाल पूछूंगी तो तुम्हारे अगल बगल वाले रोक मीडिया को कैसे चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन मीडिया को आजकल जो गांव है वहाँ पे जाना छोड़कर, जो शहर है बड़े बड़े बिल्डिंग है, जहाँ इमारतें हैं, जहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं पैसे वाले, वहाँ पे आते हैं। आप जाकर देखो गांव में, गांव की हालत। तुम्हें फ्री का राशन मिलता है? फ्री का क्या मिलता भाई? कुछ नहीं, राशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। लेने जाते हो राशन कार्ड बनवाए? नहीं, अभी पूछूंगी तो तुम्हारे वाले आके कहेंगे पूछ 5 किलो ये, इससे कुछ नहीं होता। पहले चीनी भी मिलता था बिहार में, दाल भी मिलता था, सब मिलता था, अभी कुछ नहीं मिलता गरीबों को। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, पैसा भी चाहिए उनको, पैसा भी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, इनके ये तो अपने चड्डी भी बेच के मोदी को ही वोट देंगे, हम तो यहाँ तक कहेंगे मोदी को ही वोट देंगे, मोदी को ही वोट देंगे। तो जैसे तुम राहुल जी को दोगे तो ये मोदी जी को नहीं दे सकते? अरे जिसने देश के लिए कुर्बानी दिया हम उसको देंगे। वो जिन्हें कुर्बानी दिया, उसके पापा देश, उसके पापा की हत्या की गई, उसके दादा की हत्या की गई, इंदिरा जी की हत्या की गई, उसके बाद संजय गांधी की हत्या की गई। बताओ ये लोग देश के लिए, अरे ये लोग सारे जहाँ से अच्छा नहीं पड़ेंगे ये लोग जो है ना। मुझे देखे राम जी, देख राम राम सत्य है इसका मत तो क्या होता है बताओ? राम राम सत्य, सत्य का नाम यानी झूठ मत बोलो, सच बोलो, ठीक है? तो ये लोग झूठ बोलते हैं। गीता में, झूठ बोलते हैं। गीता में लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ो। गीता भी पढ़ा है? गीता भी पढ़ा है। बताओ काली माता के कितने रूप है आप बताओ? भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हो, इसे गीता का भी ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो यार? अरे भाई काली माता का कितने रूप है? तुम इधर आओ, 365 रूप है काली माता का। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, तालियां हो जाए एक बार जोरदार, तालियां हो जाए। 33 रूप है उनका, 7 रूप। अरे हम ऐसा मत सोचो, जो क्या नाम है उसका, सालिम चतुर्वेदी, वो बिल्कुल सारी गीता पढ़ते हैं, उनकी वीडियोस देखता हूँ, ठीक है? गीता पढ़ा नहीं हूँ लेकिन उनकी वीडियोस जो देखता हूँ ना तो दिमाग में घुस जाते हैं, लेकिन दिमाग में हमारे गोबर आज तक नहीं घुसा, गोबर आज तक दिमाग में नहीं घुसा, और गोबर हम घुसाना नहीं चाहते। अपना नाम तो बताओ कम से कम यार, अपनी नाम धर्म पहचानोगे? अरे आतंकवादी घोषित करोगे? गोदी मीडिया है सब, आज तक एबीपी जितने भी है। अरे अभी नहीं नहीं सुनो, तुम अभी गोदी मीडिया तो कह रहे थे, मोदी जी की बीवी को लाने में तो तुम्हें टाइम अभी बयां नहीं कर सकते, सच्चाई को तो तुम इतने देर से बयां ही कर रहे। गोदी मीडिया कभी नहीं सच्चाई को बयां कर सकते, तुम्हारी सच्चाई नहीं दिखाया जाएगी। गोदी मीडिया कटिहार जैसे इलाकों में नहीं जाएंगे जहाँ गरीबी ज्यादा है, सीमांचल जैसे इलाकों में नहीं जाएंगे जहाँ गरीबी ज्यादा है, पुरनिया में हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं की ज्यादा आबादी है लेकिन हिंदू वहाँ पे हिंदू बहुत गरीब है, भारत है तो हिंदुओं की आबादी तो ज्यादा होगी, तो हिंदू है वहाँ पे भी लेकिन हिंदू लोग गरीब है। क्यों है मोदी की सरकार में हिंदू लोग गरीब बताए? लिखा है क्या मोदी की सरकार में हिंदू गरीब नहीं होगा, मोदी जी ने बोला है? अरे मोदी तो कह रहा है फिर से मोदी जी वादे करेंगे। अरे भाइयों बहनों अब 15 क्या 30 लाख देंगे? क्या नहीं दिया मुझे? बहुत मिले हैं, 2.5 लाख रुपए आवाज के मिले, नहीं मिले बोलने का मिले, बात कर मेरे से, बात कर, चल यूपी में दिखाऊं, चल कितना देगा, चल दिखाऊं भाई। हाँ यूपी में ही नहीं टिकेंगे ये बिहार वाले, यूपी में टिकेंगे ही नहीं। इतने आवाज मिले ना तुम जो आवाज तो अनगिनत मिले भाई, चला दिखा। तुम लोगों की सपना है, सपना एक मोदी का, योगी और मोदी का सिर्फ क्या काम है कि देश के 3 टुकड़े करना। क्यों
क्यों जैसे देश के अब कितने टुकड़े होंगे? वो करना ही चाहते हैं। तीन टुकड़े अच्छा कौन से तीन से टुकड़े? यहाँ पे हिंदू भी है, यहाँ हिंदुओं सिख भी है, सिख को तो खालिस्तानी घोषित करते हैं। तीन टुकड़े कौन से तीन टुकड़े होंगे ये तो बताओ। उस टाइम आजादी के वक्त में कांग्रेस ने आजादी दिलाई थी अंग्रेजों से पहले, अभी सुनो कांग्रेस ने दिलाई थी तो सुनो, तो उस टाइम अंग्रेज थे देश में कब्जे किए हुए, उसकी हुकूमत थी। तो गांधी जी ने आजादी, बहुत सारे लोग थे, सिर्फ गांधी जी नहीं थे। गांधी जी का ही नाम मोदी जी अगर नहीं आएगा ना, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल घूम के आ जाओ, पता चल जाएगा मोदी जी क्या है। समझ गया ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे अनपढ़ नहीं है, वहाँ बीजेपी जीत भी नहीं सकता केरला में। मैं आज भी पंचायत चलती है, तुम केरला जाके देखो, हेडलाइन पे मत चुनाव नहीं लड़ रहा है जम्मू और कश्मीर से, कह रहा हम शेर है, चुनाव क्यों लड़ रहा है बताओ? कह रहा राहुल पप्पू है तू लोग। अरे राहुल से मोदी डिबेट करे, डिबेट करके दिखा दे। वो तो मोदी जी ने बोला था, वो तो मोदी बोला था। क्या बोलो, वो आलू से सोना निकालो, मोदी जी ने बोला था या नहीं? आप सच्चाई को बयान, ये सब कह रहे राहुल जी ने बोला। नहीं, ये मोदी जी ने बोला था। आओ तो सही, कांग्रेस ने आजादी दिलाई थी, ये मदरसा में पढ़ के इन लोग चिल्लाओगे क्या? अरे आ जाओ यार, आओ कांग्रेस ने आजादी दिलाई। ये हेडलाइन इन्होंने तुम्हें भगा दिया। देखो अभी ज्यादा गोबर खा लिया हूँ, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर मोदी कांग्रेस ने तुमको आजादी दिलाई थी कुछ पता है? दिलाए तो तुम बताओ किसने दिलाया? तो 70 साल क्यों दिए भाई साहब? क्यों दिए? बड़ा सवाल है ये, 70 साल क्यों दिए? मैं बता रहा हूँ सुनो, 70 साल क्यों दिए भाई साहब? 70 साल क्यों दिए सुनिए आप, क्योंकि तुम्हारे जैसे दिए, तुम्हारे जैसे बहने थे इसलिए। अभी 10 साल हम मोदी जी को दे रहे, तुम लोग इतना तड़क रहे हो, अगर ये अभी 10 साल और आ गया तुम लोग गायब हो जाओगे। तरीपार है, तरीपा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तरीपार है, ये तरीपार अपोजिशन का कहे जो सच्चाई को बयां करता है उसको जेल में डाल देते हैं। कल एक लड़का यहाँ पे कुछ बोल रहा था, उसको जेल में डाल दिया। आप जेल कहाँ? अरे अंधभक्तों ने डाला।